हमारे परम पूजनीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि मेरी और मुलायम सिंह की विचारधारा एक है। हैं? ऐसा क्या? तो क्या मुलायम सिंह भी वैसे भी इसमें अचंभे की कौन सी बात है? कलयुग में सब कुछ हो सकता है। वैसे भी मुलायम ने भी कम से कम दो शादियां तो कर ही रखी है। तिवारी जी ने यह भी कहा है कि पूरा देश मुलायम सिंह यादव की ओर देख रहा है। तिवारी जी, अभी तक तो कोर्ट कचहरी समेत पूरा देश आपकी ओर देख रहा था, अब आप कह रहे हैं कि अब मुलायम की ओर देख रहा है, हैं? इसका मतलब मुलायम का भी आपकी तरह कोई डीएनए टेस्ट होने वाला है? मुलायम सिंह पर तिवारी जी की मेहरबानी की असल वजह यह है कि मुलायम सिंह ने उन्हें लखनऊ में रहने के लिए रंग रोगन करा कर एक नया घर दिया है। यहां तक तो ठीक है कि रहने के लिए घर दे दिया, अच्छा किया, लेकिन तिवारी जी को अपने घर बुलाने का रिस्क ना ले मुलायम। मैं तो बस सलाह दे सकता हूं, बाकी मुलायम जाने। वैसे अमर सिंह के जाने के बाद समाजवादी पार्टी में कुछ कमी सी लग रही है, मजा ही नहीं आ रहा था। मुलायम सिंह को अमर सिंह जैसे एक दोस्त की कमी जो है वो महसूस हो रही थी। अब तिवारी जी से दोस्ती करके मुलायम सिंह ने वो कमी भी पूरी कर दी। हाँ, अब उनकी पार्टी फिर से समाजवादी हो गई। हमारे 88 साल पुराने एनडी तिवारी जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं 2014 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्या हो गया तिवारी जी? हाँ, आप दुनिया के बाकी काम तो कर ही रहे हो, तो चुनाव भी लड़ लेते। तिवारी जी ने कहा है कि 2014 में मैं 90 साल का हो जाऊंगा और चुनाव के बाद 5 साल तक काम करने की मेरी उम्र नहीं रह जाएगी। यानी अब जब चलना फिरना भी बंद हो गया है तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अब मुलायम सिंह को मौका देना चाहिए, वो मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मुलायम ने भी लगे हाथों कह दिया है कि मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं। ये कुछ ऐसी बात हुई है जैसे कोई पागल ये कहे कि मैं पागल नहीं हूं। यानी जो भी ये कहे कि मैं पीएम पद की दौड़ में नहीं हूं, समझ लो वही उस लाइन में सबसे आगे खड़ा है। मुलायम सिंह ने साइना नेहवाल को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। यानी मुलायम उसे अपनी साइकिल की सवारी कराना चाहते। मुलायम जी, बच्ची को 2-4 साल और खेल लेने देते, जयप्रदा की तरह पॉलिटिक्स बाद में सिखा लेते। लो भैया, इंग्लैंड के क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉफ बॉक्सर बन गए हैं। फ्लिंटॉफ ने रिंग में उतरते ही अपना पहला मुकाबला भी जीत लिया है। यानी अब बॉल फेंकने की जगह विरोधी खिलाड़ी की बॉल्स फोड़ेंगे। पूनम पांडे ने 13 अक्टूबर को नो ब्रा डे मनाया। क्या बात है, पूनम पांडे और नो ब्रा डे। मुझे लगता है कि पांडे जी के लिए तो रोज नो ब्रा डे होता है, हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज उस दिन होगी जिस दिन पूनम पांडे ब्रा डे मनाएंगे। वैसे हो सकता है कि उसे ब्रा पहनाने के लिए सरकार को सेना की मदद लेनी पड़े। अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि सनी देओल ने सनी लियोनी को रिजेक्ट क्यों किया और किस देश ने लगाई सेक्स पर पाबंदी। ये सब इस छोटे से अंतराल के बाद।